मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री जीतू पटवारी ने इस साल अलग तरीके से दिवाली मनाई। इस मौके पर उन्होंने 5-स्टार होटल में गरीब बच्चों को खाना खिलाया। भोजन करने वाले बच्चों में ज्यादातर बच्चे अनाथ और बिना घर बार के थे, लेकिन क्या इस एक दिन खाना खिलाकर कोई इन बच्चों का जीवन सुधार सकता है, या फिर ये मंत्री जी का मीडिया में बने रहने का शौक है। वैसे तो एमपी के खेल मंत्री जीतू पटवारी हर साल किसी होटल में जाकर गरीब बच्चों के साथ दिवाली मनाते हैं, लेकिन इस साल उन्होंने इंदौर के सबसे बड़े और महंगे रेडिसन होटल में अनाथ और निराश्रित बच्चों के साथ दिवाली मनाई। जीतू पटवारी ने बच्चों को 5-स्टार होटल में ले जाकर उनके साथ खाना खाया। उन्होंने बच्चों को महंगे तोहफे भी दिए। जीतू पटवारी के साथ खाना खाने वाले बच्चे हमेशा रेडिसन होटल को बाहर से ही देखते रहते थे, लेकिन दीपावली पर वे होटल के अंदर थे। बच्चों को मंत्री जीतू पटवारी बकायदा एक बस करके रेडिसन होटल लाए थे, लेकिन इंदौर के नागरिक इसे मंत्री पटवारी का मीडिया की खबरों में बने रहने की कोशिश बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर आम लोग मंत्री जीतू पटवारी को लेकर तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है ये पब्लिक है, ये सब जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया फर्स्ट न्यूज। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और इंडिया फर्स्ट न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी करें। अरे 55 साल में तुम जो नहीं कर पाए, पहले उसका जवाब दो। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 5 मिनट भी अपने पब्लिक रिलेशंस को, अपने पीआर को छोड़ नहीं सकते।